हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैंने द हिंदू का भी एडिटोरियल ऐड किया है, ठीक है। उसके साथ साथ दैनिक जागरण तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं और PIB डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अब मैं क्या करूँगा, धीरे 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 ना जितने एडिटोरियल वाले पार्ट होते हैं ना, मैं द हिंदू का डिस्कस करने लगूंगा, ठीक है। और जो दैनिक जागरण में रहेगा एडिटोरियल, जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। देखो, जो द हिंदू का एडिटोरियल मैं डिस्कस करूँगा वो इंग्लिश में नहीं करूँगा, क्योंकि देखो होता क्या है आज के टाइम पे कि हम इंग्लिश में देखते इंग्लिश में है, सुनते हिंदी में है। तो अब जब एग्ज़ाम लिखने की बारी आती है तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है, हमें वर्ड्स ही नहीं मिलते क्या लिखने के लिए। तो मैंने कोशिश की है कि देखो, मैंने एक एडिटोरियल लिया है द हिंदू का, और उसको कोशिश की क्या हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आज डिवीज़न कर लेते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। फैजाबाद का नाम अयोध्या, अहमदाबाद कर्णावती। प्रयाग टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में है। किस भगवान का मंदिर है, अयप्पा भगवान का मंदिर है। इसको देखता है जो है TDB देखता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं राफेल के, तो हम फ्रांस ले रहे हैं 36, S-400 रशिया से ले रहे हैं। आयुष्मान भारत के देखो बारे में आज दिया गया न्यूज़पेपर में, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। ये इसके प्रीलिम्स से पूछे जाने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा अगर प्रीलिम्स के लिए कोई पूछे कि सर प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसको कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पूरा रट रट के रखना है। देखो, जो चीज़ें अगर आप याद मतलब अगर आपको लगता है कि ये समझ के नहीं याद हो सकता, तो उसको रट के रखिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको ये करेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो देखिए, अब इसमें क्या है, आयुष्मान भारत की बात करते हैं। देखो, ये 23 सितंबर 2018 को इसी स्कीम लॉन्च की गई। इसका नाम एक और है PJAY, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो 10 करोड़ परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा। उसके आगे बात करते हैं, देखो 10 करोड़ परिवार का मतलब है कि लगभग 50 करोड़। मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ, एक परिवार में 5 लोग के मतलब ऑन एवरेज मान कर चला जाता है। इसमें आपको जो बीमा कवरेज मिलेगा वो 5 लाख रुपये तक का मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, दुनिया की सबसे बड़ी बोल रहा हूँ, इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। और ये आप जो अपने इलाज जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में आप करा सकते हो, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट जाता है, आप अगर IAS के अलावा भी मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सब में पूछे जाने के चांसेस हाईली चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के। उसके अलावा अगर UPSC की बात करो तो मैं चाहता हूँ फॉलोइंग करके आपसे ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं सिंगबैक्स और अग्निवैरियर, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इंद्र भारत और रशिया के बीच होता है। ब्रज प्रहार और कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के बीच। धर्म गार्जियन जापान कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, ठीक है। आर्टिकल 123 क्या है, बृहस्पति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने कुछ राष्ट्रीय उद्यान लिख रखे हैं। देखो, आज आज कार्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में भी न्यूज़पेपर में दिया गया है, तो आप ये सारे याद रखिएगा। कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कार्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा, कान्हा टाइगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपके लिए देखो कान्हा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ आप याद रख सकते हो तो रखिएगा क्या, बांधवगढ़ और पेंच उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में मैंने बताया जल्दापाड़ा, 21 जून को हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, तो आप ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैरी कॉम। और पंजाब देखो, ये आपको याद रखना है, शाहपुर कंडी डैम कहाँ बनने वाला है, तो रावी नदी पर है, कहाँ पर, पंजाब में, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ में रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें, देखो सिख धर्म के 10 गुरु, आपको पता है कि करतारपुर गुरु नानक, डेरा बाबा गुरु नानक से लेकर करतारपुर तक एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, तो आपको ये सिख धर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तो आपको सिख धर्म में कौन कौन से गुरु याद रखने, मैं उसको सर्कल कर देता हूँ, आप ये चीज़ याद रखिएगा। गुरु नानक देव जी के बारे में आपको याद रखना है, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो ये गुरु हर गोविंद सिंह है, ये गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। तो ये 4 नाम आप याद रखना है, पहले गुरु, ठीक है, 5वें गुरु, 6वें गुरु और 10वें गुरु, ये आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, प्लस लंगर प्रथा चालू की थी इन्होंने। गुरु हर गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु हर गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। और गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉर्नबिल मैंने बता दिया था, एक पक्षी का नाम है, जिसमें नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एक से लेकर 9 दिसंबर के भी तक मनाया गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि देखो 1 दिसंबर को क्या है, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था, तो कब हुआ था ये, 1 दिसंबर 1963 को। देखो UPSC में कैसे पूछ देगा, आपको टाइम लाइन दे देगा कि 4 राज्यों के नाम दे देगा, बोलेगा इनके कि किस किस टाइम पे ये क्या बने थे, उनके समय के कम समय काल के अनुसार क्या करिए, इसको सूचीबद्ध करिए, या इसका मतलब ऐसे आप क्या करिए, इसको एक अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है, प्रीलिम्स में बता रहा हूँ मैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था। और हॉर्नबिल फर्स्ट, अगर हॉर्नबिल पक्षी के बारे में आ जाए तो आप याद रखना कि ये कहाँ का है, ये नागालैंड का है, तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा। ब्रिक्स मैं बता चुका हूँ आपको कि 2009 में बना था,
ठीक है। इसका इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था, आप याद रखें, 10वां समिट कहाँ साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसके एक्रोनिम्स के हिसाब से इसका नाम है। और ब्रिक्स का ही एक बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, सबका शेयर इक्वल होता है, सबकी वोटिंग राइट्स इक्वल होती है। ठीक है, देखो मैंने जस्ट जल्दी जल्दी रिविजन इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के देखो जिनको ये पसंद नहीं होता होगा, मतलब कि बार बार एक ही चीज़ आ रही है, तो अगर आपको नहीं आता हो तो आप कोशिश किया करिए, देखिए 2 से 3 मिनट का शुरू का वीडियो आप आगे करके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनको लगता है कि नहीं मेरे को अब सारी चीज़ें याद हो जाएगी, मेरे को रिविजन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ 2 से 3 मिनट के आगे की वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो मैं कल कल से कोशिश क्या करूंगा कि मैं ये सारी चीज़ें ना लास्ट में डाल दूंगा, तो जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना है बस वो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, जिनको रिवीजन करना है वो लास्ट में रिवीजन कर लिया करेंगे। ठीक है ना, अब बात करते हो पीआईबी के, तो कल सैटरडे था तो पीआईबी में देखो कोई न्यूज़ आया नहीं। ठीक है, तो पीआईबी में हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं था, तो हम यहाँ पे छोड़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल जो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले वे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड दोस्तों क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, ये क्या है कि राजनीतिक दलों को जैसे पैसा देते हैं ना, सपोज कर कोई चंदा देता है, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू अगर मैं लूँ, जैसे बीजेपी कांग्रेस की बात करें हम, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहिए बट आपको समझाने के लिए मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ। सपोज आप किसी पार्टी को चंदा देना चाह रहे हो, चाहे बीजेपी को देना चाह रहे हो, चाहे कांग्रेस को देना चाहे, किसी भी अन्य पार्टी को आप अगर चंदा देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो आप कैश में जाकर इनके कार्यालय में इनको जमा कर सकते हैं, या तो इनको चेक दे सकते हैं। यही सारे प्रोसेस होते हैं जिसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसमें नियम अभी क्या है कि अगर आप 20,000 से ऊपर का दे रहे हैं, ठीक है, अगर 20,000 से ऊपर का दे रहे हैं तो आपको चेक में देना पड़ता है। अगर आप इसको 20,000 से ऊपर दे रहे हैं तो इसको आप क्या करना पड़ता है, चेक में देना पड़ता है। ठीक है, इसको चुनावी बॉन्ड नॉर्मली बोलते हैं हम, जो अभी स्कीम लाई गई है तो उसको हम मतलब एक एक 1.5 साल हो गया उसको, तो हम अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो 20,000 से अगर ऊपर आप पैसा दे रहे हो तो आपको चेक में देना पड़ेगा, उसके बाद क्या है 2,000 रुपये से लेकर अगर 20,000 रुपये तक आप दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको अब नाम बताना पड़ेगा कि हमें किससे ये पैसा मिला है। ठीक है, अगर 2,000 रुपये से कम दे रहे हो तो आपको ये नाम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कहाँ से आया, आप कैश में दे सकते हो। तो होता क्या था, इससे पहले 20,000 की लिमिट थी, मतलब 20,000 रुपये तक आप कैश में जमा कर सकते थे तो आपको नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो लोग क्या करते थे, लगभग 19,999 रुपये लेते थे ऐसे। अब देखो 20,000 जब होगा तब तो आपको नाम बताने की जरूरत पड़ेगी कि 20,000 इसने दिया है, लेकिन पहले क्या होता था, तो लोग 19,999 रुपये दे देंगे तो उनको नाम बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन उसके बाद उसको 2,000 रुपये की लिमिट की गई, तो अभी तो आपको थोड़ा नाम ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा किसने दिया है, बट वो ठीक है, ये अलग था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, मैंने जैसा जो इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। अब बात करते हैं चुनावी बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहते हैं क्या। ठीक है, तो देखो इसमें प्रमुख प्रमुख जो चुनिंदा तथ्य हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक तरह का दोस्तों पत्र है, पत्र मतलब मैं आपको पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ, देखो कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो यहाँ पर लिखा गया है, मैंने एक स्टेट बैंक का एक मतलब सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें आपको कहीं नाम नहीं दिखा मिलेगा, और देखो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इसमें देखो 1,000 रुपये का इन्होंने बॉन्ड लिया है। ठीक है, यहाँ पर तारीख दी गई है किस तारीख को लिया गया। ठीक है, और ये 15 दिनों के वैलिड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या ये 15 दिनों के वैलिड है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, देखो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस पर नाम जैसे सीधे लिखा गया है। ठीक है, अब ये प्रोमिसरी नोट है, अभी देखो वैलिड कितने दिन तक है, 15 दिनों तक है, मतलब जिस दिन इशू हुआ उससे 15 दिन तक वैलिड रहेगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, 15 दिन तक वैलिड होता है, और देखो इसमें मिनिमम आप 1,000 रुपये इसमें क्या करते हो, इसका बॉन्ड खरीद सकते हो। अब देखो आप एग्जाम्पल समझता हूँ मैं, देखो जैसे आप लोग डी डी आप अगर किसी ने मतलब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया हो, तो आप डी डी यूज़ करते हो, जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें एक चेक टाइप में दे देता है, हम उस चेक को क्या करते हैं ले जाके, या डीडी को ले जाके हम क्या करते हैं अपने कॉलेज में सबमिट कर लेते हैं, और कॉलेज वाले क्या करते हैं पैसा भुना लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि अब हम क्या करेंगे, हम बैंकों के पास जाएंगे, कुछ चुनिंदा बैंकों जैसे SBI, HDFC, इनको परमिशन मिली है। ठीक है, आप यहाँ से क्या करिए, एक बॉन्ड खरीदिए, मतलब आपने देखो कितने कितने का बॉन्ड खरीद सकते हो, सबसे पहले आप ये समझो, आप 1,000 का बॉन्ड खरीद सकते हो, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ तक का, तो आप 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बॉन्ड खरीद सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब देखो देखो अगर SBI के चुनिंदा शाखाओं में मिलता है तो एक ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया 1,000 से लेकर कितना 1 करोड़ तक। ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस कितने कितने का खरीद सकते हैं, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का, ये भी हो गया। देखो या हर महीने में 10 दिन इसकी बिक्री जो होगी बस 10 दिन होगी, मतलब महीने में लगभग 10 दिन ही इसकी बिक्री होगी, आपको ये चीज़ याद रखना है। हाँ, इलेक्शन वगैरह है तो क्या होगा, 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड जारी करने से कितने दिन के भीतर आपको ये पैसा क्या करना भुनाना पड़ेगा, मतलब सपोज करो मैंने अगर किसी पार्टी को दिया, ठीक है, तो उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर उसको जाके बैंक में जमा करके उसे बैंक से पैसे लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, या लेने होंगे, तो ये हो गया आपका 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब उसमें कौन कौन ले सकता है, ये दोनों को चीज़ों को देखो मैंने कंबाइंड करके यहाँ पर लिख रखा है। देखो राजनीतिक दल जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वही प्राप्त कर सकता है जिसने IPC जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्या हो,
उसकी धारा 29A के तहत पंजीकृत हो। मतलब क्या हो कि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपकी रजिस्टर्ड है, तभी आपको क्या कर सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा इसमें है कि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में क्या है, मतलब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव है, उसमें कम से कम आपको 1% वोट मिला हो, टोटल वोट्स का आपको कम से कम 1% वोटिंग मिली हो, तभी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ले सकते हो, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो डिटेल्स में आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। अगर मेंस में भी आप इसमें से कुछ पॉइंट अगर याद रह जाता है, लिख देते हैं, तो आपको अच्छे नंबर ये मेंस में दिला सकता है। हम एक लास्ट में इसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक है। ये हो गए देखो इसके पूरी पूरे जो इसके मेन मेन फैक्ट्स हैं, हमने ये मेन मेन फैक्ट्स इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें आप काम की बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि देखो ये लाया गया था तो ये चीज़ कहा गया था कि इससे क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा, करप्शन कम हो जाएगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगी, ठीक है। करप्शन इन सेंस ब्लैक मनी कम हो जाएगी, कैसे, उन्होंने कहा था कि देखो अभी क्या है कि देखो दोस्तों कहा जाता था कि क्या ब्लैक मनी जो पार्टी को चंदा देते थे, ठीक है, वो कम हो जाएगा। अब इसमें देखो क्यों संभव नहीं हो पाएगा ये बात बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अभी आपको पता है ओपी रावत हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 2 दिसंबर को क्या हो गए, वो रिटायर हो गए, ठीक है। तो उन्होंने एक बात क्रिटिसाइज करते हुए इस इलेक्ट्रोनल बॉन्ड को कहा, क्योंकि कहा इन्होंने ये कहा कि जो पहले थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी थी ना, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो भी अब गायब होने लगी है। मतलब क्या है कि देखो अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल थ्रू, हम इसको डिटेल में अच्छे से भी समझेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है कि जो ये बॉन्ड मिलता है, जैसे इसकी अगर हम इमेज देखें, देखो इसकी इमेज देखो, तो इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी भी पार्टी का किसी का भी नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, किसी का भी नाम नहीं है, मतलब किस पर्सन ने दिया ये भी नहीं है, और किस पार्टी को आप देने जाने वाले हो ये भी नाम नहीं होता है। तो बस ये बॉन्ड होता है जो एक मतलब एक चेयर से डीडी होता है, आप जाके किसी भी पार्टी को देना चाहते हो, आप जैसे अगर एग्जाम्पल दो, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे आम आदमी पार्टी, किसी को आप ले जाके देना चाहते हो, आप ले जाके इसको दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ कही जाती है, एक तो देखो जो SBI को पता है कि किसने दिया है, SBI के जैसे आप इसको फॉर्म भरेंगे तो आपको डिटेल आपकी भरी जाएगी, तो आप उनको तो SBI बैंक को तो पता है कि किसने दिया है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं पता चलेगा किसने दिया है, मतलब नाम क्या था, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और कही जाती है, देखो यहाँ पर एक ना एक छुपा हुआ क्या है, कोडिंग है। इस कोडिंग से क्या कर सकते हैं लोग, पता कर सकते हैं कि ये किसने जारी किया था, किसने इशू किया था, एक बात इसमें ये भी कही जाती है, ठीक है। देखो अब इसमें लोगों का मतलब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया क्या गया, लाया क्यों गया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसलिए लाया गया कि हम क्या कर सकें, जो पैसा देते हैं, ठीक है, जो पैसा देते हैं उनको एक तो प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला पॉइंट ये था लोगों का, मतलब जो गवर्नमेंट का कहना था। दूसरा ये था कि देखो होता क्या है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, मतलब ब्लैक मनी को हमें क्या करना, कम करना धीरे धीरे। लोग क्या कहते हैं, जो ब्लैक मनी होती है लोगों वही तो चंदा देते हैं नॉर्मली, नॉर्मली चंदा आपका मतलब ये होता है जो ब्लैक मनी होती है लोग ज़्यादातर वही देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब क्या है कि देखो आइडेंटिटी बैंक के पास तो है यहाँ पे, जो पार्टी जिस पार्टी को आप जब किसी भी पार्टी को आप दे रहे हो तो आइडेंटिटी बैंक के पास होगी, लेकिन क्या है पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होती है। तो अब होता क्या है कि सपोज करो आपने किसी एक पार्टी को दिया, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल ले लेकर बताता हूँ, सपोज करो आप बीजेपी को आपने क्या किया, आपने बीजेपी को बॉन्ड जाके बेच दिया, अगर ये बात कांग्रेस को पता चल गई कि आपने इस पार्टी को चंदा दिया, जब एक सपोज कांग्रेस गवर्नमेंट में आती है तो जो पार्टी जिस कंपनी ने दिया था, सपोज करो एक्स कंपनी थी, इस एक्स कंपनी ने अगर सपोज करो इनको चंदा दिया था, तो जैसे ही कांग्रेस सरकार में आती है तो इस एक्स कंपनी को जो भी प्रोजेक्ट मिलने होते हैं सारे बंद कर देते हैं। मतलब ये अगर उस लायक भी हैं कि मतलब इनको प्रोजेक्ट मिलना भी चाहिए तो क्या करते हैं, कांग्रेस इनको प्रोजेक्ट नहीं देती है, क्यों, क्योंकि इस पार्टी को इन्होंने चंदा दिया था। तो एक पर्पज ये था कि लोगों को ये ना पता लगे किस पार्टी ने चंदा दिया है, ठीक है। और लगभग लगभग इसमें हमने सारा चीज़ ठीक है डिस्कस कर लिया है। देखो ये तो होगी दोस्तों पूरी फैक्ट्स की बात, हमने लगभग लगभग सारा फैक्ट्स जान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और आप मतलब एक आर्टिकल देख लीजिए, ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लगभग 11,300 करोड़ रुपये लगभग 17% क्या अज्ञात स्रोतों से आया, जो क्या यहाँ इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको 11 वर्षों में, ठीक है। तो ये सारे देखो हमने फैक्ट्स डिस्कस कर लिया, अब इसके बारे में देखो डिटेल्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड अच्छा है बुरा है या क्यों है या अभी न्यूज़ में क्यों आ गया फिर से। तो देखो ओपी रावत जी जब रिटायर हो गया तो उन्होंने एक चीज़ कही कि देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिस पर्पज से आया था उसको पर्पज़ नहीं है इसके, ये और भी क्या कर रहा है, और भी ये लोग चीज़ों को धूमिल करता जाता है। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी कंपनी है तो अपने 3 साल के प्रॉफिट का वो बस 7.5% ही क्या कर सकता था, 7.5% ही चंदा दे सकता था। लेकिन अगर ये रूल हटा दिया गया अब, ठीक है, अब क्या है कोई भी पार्टी है मतलब कोई भी कंपनी है, चाहे 3 साल की बात कोई कंडीशन नहीं रही, तो आप जो मर्जी जब भी पैसा ले सकते हैं। प्लस जो ये 7.5% का जो बाउंडेशन था ये भी खत्म कर दिया गया। मतलब क्या है कि अगर सपोज रिलायंस है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ, ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस है, अगर रिलायंस को
कोई प्रोजेक्ट मिला तो उसमें से क्या है, चंदे के रूप में अब इनसे क्या कर सकते हैं, कह ये भी कह सकते हैं कि हमें आप 50% अपनी कंपनी के प्रॉफिट का चंदा दे दो, यहाँ तक हो सकता है। लेकिन पहले क्या था कि आप 3 साल के प्रॉफिट का बस 7.5% चंदा दे सकते थे। देखो अब ये रूल हटा देने से क्या हुआ कि इन कंपनियों के साथ क्या हो सकता है, कंपनियाँ भी मतलब देखो दो चीज़ें इसमें सोचने की है। पहला चीज़ ये, एक तो कंपनियों से ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा चंदा ले सकते हैं, ठीक है, चंदा ज़्यादा ले सकते हैं पहली चीज़। दूसरा ये कि जब ये चंदा ज़्यादा लेंगे तो जब अगर सरकार सपोज करो गवर्नमेंट में आती है, ठीक है, सरकार बन जाती है उस पार्टी की, तो क्या करेंगे सारे प्रोजेक्ट इनको अपने इन मतलब इनडायरेक्टली तरीके से इनको हित बचाने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट हो गवर्नमेंट का जिसमें प्राइवेट कंपनी को देना है तो उन प्राइवेट कंपनी को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगी जो जिन्होंने इनको चंदा दिया है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि कल को ये क्या होंगे, ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ क्या करेंगी, एक देश को चलाने में क्या करेंगे, काम करेंगे राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ। तो इसमें एक चीज़ ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि देखो ये सारी चीज़ें जो भी मतलब लाया गया इस पर्पज़ से, वो पर्पज़ क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है। अब आपको पता है कि ये क्या किया गया था, मनी बिल के रूप में लाया गया इसको, आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में है, ठीक है। अब देखो मनी बिल किसको कौन कहता है इसको आपको एक बार जानने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष होती हैं, ठीक है, अभी तो ठीक है सुमित्रा महाजन जी हैं, तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी बिल को क्या कर सकता है, मनी बिल कर सकता है। अब बिल क्या होता है, बिल दोस्तों बस एक मसौदा तैयार, जो मसौदा होता है ना जिसे हमने कोई चीज़ कापी में लिख के बना दिया कि हमें ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, ठीक है, या पापा की मुहर लग जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एक्ट बोल देते हैं, अधिनियम हो जाता है, सिंपल सही चीज़ है, ठीक है। जैसे ये इसमें बता सकते हैं कि जो मनी बिल का सिंपल से मतलब अभी बस बेसिक याद रखिएगा कि जो वित्तीय लेन देन से रिलेटेड हो उसको हम मनी बिल कहते हैं, ठीक है। तो अगर मनी बिल हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती, राज्यसभा के पास मतलब वो 14 दिन तक अपने पास बस रह सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। तो इतना मैंने बेसिक नॉलेज बता दिया। अब इसमें आप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप उसको आंसर दीजिएगा, उसमें बताता हूँ कि क्या क्या आपसे इसमें। देखो अब काले धन को समाप्त करने की दिशा में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आपको मैक्सिमम 3 या 4 पैराग्राफ में इसको कोट करना है। पहला आप इसको बारे में बताओगे कि देखो इलेक्ट्रोनल बॉन्ड स्कीम है क्या, ठीक है, आपने पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सारा बता दिया। फिर मेन बॉडी में आओगे, मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अपना क्या करोगे, कंक्लूजन दोगे कि मुझे हमारे हिसाब से ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए थी जो अभी इसमें इसमें कमियां हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो आप दिखाओगे कि देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से हमें ये फ़ायदा हो सकता था, ये नुकसान हो रहा है, या हमने ये चीज़ गलत कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या इसमें आप दिखा सकते हो, देखो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख रखी है, सारे बता भी रखा है डिटेल में एक एक करके। आप देखो इंट्रोडक्शन में सारे पार्ट बता सकते हो, देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि 15 दिनों के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज़ और आप इसमें कह सकते हो कि देखो कौन पार्टी कौन पैसा ला के आपको दे रहा है ये भी नहीं पता किसी पार्टी को, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा यह है कि देखो हम जो पब्लिक होती है, पब्लिक मतलब क्या, हम जनता के प्रति, अब जो ये लोग चुनाव में जो भी पार्टियां जीतती हैं वो क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी पार्टी चंदा दे रही है, कितना चंदा आया, ये सारे क्या है, एक तो जानने का हक है, ठीक है, इनको क्या है जानने का हक है जनता को, कि एटलीस्ट जनता को पता होना चाहिए कि हम किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, ठीक है, इसको कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितने पैसे इन्होंने खर्च किए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी ये सारी डाटा क्या करती है, किसी के साथ शेयर नहीं करती, पब्लिकली अपना दिखाती भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप इसमें लिखते चलोगे, मैंने आपको बता दिया कि पैरा में लिखना है, खुद से एक बार लिख के कोशिश करिएगा, फिर खुद को पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको लिख अगर उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्या करिएगा, उसको भेज दीजिएगा, मैं आपको इस पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप इसमें क्या करिएगा, मेरे को लिख के मैसेज करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको इस पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8840385335, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसमें आपके काम का क्या है, आप मैंने मैं एक चीज़ तो पहले बहुत पहले बता चुका हूँ कि कोई भी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारत से बाहर जाता है तो बस उसके दो ही पर्च होता है। अगर डिफेंस मिनिस्टर है तो सामरिक महत्व की चीज़ें करेगा, ठीक है, विदेश मंत्री है तो अपने रिलेशंस अच्छे करने के लिए जाएगा, और बाकी इनके अलावा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक, आर्थिक साझेदारियाँ, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सारे के सारे ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक फंडा याद रखना, जो बेसिक रोडमैप आपको आगे चल के दे देगा। इसमें देखो हिंद अमेरिका, हिंद प्रशांत कमान इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसमें इंडो, आपसे पूछा क्या सकता है, इंडो पैकम क्या है, ठीक है, आपको यह याद रखना है इंडो पैकम क्या है। तो ये आपसे अगर पूछा जा सकता है, देखो अमेरिका एशिया प्रशांत अंत क्या इनका एक समझौता है, ठीक है, इसको आप ये याद रख, अमेरिका और इंडिया ने क्या किया, इन अपनी साझेदारी को यह नाम दिया, तो आपको ये याद रखना है इंडो पैकम क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करें, देखो फिर से इसमें नाम में आया ट्रिनिटी, तो आपको याद रखना कि ये इंजन रहित है, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसमें अलग से इंजन नहीं लगता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। प्रीलिम्स से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनदेखी मिट रही है क्या, हिमाचल की गंगा।
हिमाचल गंगा किसको कहते हैं, हिमाचल गंगा किसको कहते हैं, हिमाचल गंगा रेणुका झील है उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना कि रेणुका झील का क्या है, मतलब दोस्तों आज से कहा जाता है कि 3 साल पहले क्या था, इसकी गहराई नहीं पता चलती थी। तो हुआ क्या कि 5 साल पहले लगभग कोई एक व्यक्ति इसमें डूब गए थे, तो उनको खोजने के लिए इसमें लोग गोताखोर गए थे। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी गहराई है, लगभग 50 से 60 मीटर के आसपास है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, इससे पानी कम हो रही है, अभी लगभग रह गया 30 से 40 मीटर के आसपास, ठीक है। तो अब यही चीज़ की जा रही है, देखो ये बहुत ही तेज़ी से क्या सिकुड़ रहा है, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने गंदगी फैलाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसका ख्याल नहीं रखा। तो ये चीज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है क्रिटिसाइज की गई हैं। तो बस आपको मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बता दें कि रेणुका कहाँ है, रेणुका झील पूछा जा सकता है, रेणुका झील कहाँ है, तो आप याद रखिएगा क्या सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बताते देखो इंटरनेट से जुड़ी दुनिया की आधी आबादी, तो ये फैक्ट्स हैं सारे, तो आपको बस ऐसे पॉइंट्स याद रखना, जो मेंस में भी आप कह सकते हो तो लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बात करते हैं अगर, तो देखो 51.2, ठीक है, 51.2% लगभग आज के टाइम पे क्या है कि इस साल के अंत तक लोग क्या करेंगे, लोग इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, मतलब पूरी विश्व की आबादी का 51.2% क्या है लोग इसमें क्या जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अभी रिपोर्ट निकाली किसने है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, तो उसने ये रिपोर्ट निकाली। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, धीरे धीरे हम क्या करें, इंटरनेट में धीरे धीरे बढ़ावा चल रहा है। अभी आपको पता है कि हमने क्या किया था, अभी भी G11 भेजा था, क्यों, क्योंकि इंटरनेट को बढ़ावा देने की सबसे ज़्यादा क्या करेगा, मदद करेगा हमारी, ठीक है। और आप मोबाइल उपभोक्ताओं की बात करें, देखो दिन बाय दिन क्या हो रहा है, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अभी देखो हम इंटरनेट के कितने यूज़ करने लगे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बात करते हैं आयुष्मान भारत के, देखो ये सारे हमने पॉइंट्स आपको बता दिया था, ठीक है। देखो इसमें एक ही चीज़ फैक्ट याद रखने की आपको ज़रूरत है कि अभी क्या है कि देखो PSU ने क्या कि आयुष्मान भारत से नहीं जुड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट से कोई ऐसा नोटिफिकेशन ही नहीं आया जिससे कि हम क्या कर सकें कि हम इनको मानने के लिए बाध्य हो जाएं, ठीक है। तो देखो अभी एक पॉइंट और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो देखो आयुष्मान भारत को जो लीड कर रहा है वो आप किसके थ्रू हो रहा है, नेशनल हेल्थ एजेंसी के थ्रू, ठीक है, नेशनल हेल्थ एजेंसी के थ्रू हो रहा है। तो अभी ये नेशनल हेल्थ एजेंसी कहाँ PSUs को, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, कि उनको सीधे कहा कि आप क्या करिए, हमारे रूल्स फॉलो करिए। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें कोई मंत्रालय से नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जब तक हमें मंत्रालय से नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम आपके रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो मैंने एज ए नॉलेज के लिए बता दिया आपके लिए, देखो प्रीलिम्स पॉइंट अभी से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरो हिरण कहाँ है, ठीक है। तो आप याद रखिए, देखो उत्तराखंड में कहाँ पर कार्बेट टाइगर रिजर्व, देखो कार्बेट टाइगर हम कितने दिन से क्या कर रहे हैं न्यूज़ में, मतलब डेली डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो आप याद रखना तो कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में, बाकी सीरो हिरण के बारे में बात पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक हिरण ऐसा है क्या है कि ये बहुत ही घने जंगलों में रहता है, मतलब इसको घने जंगलों में रहने का आदत है, ठीक है। तो ये बहुत ही घने जंगलों में रहता है, इसका लुक ऐसा है। तो आप बस इतना याद रखिए सीरो हिरण कहाँ पर पाया गया, तो ये आप याद रखिएगा कहाँ, उत्तराखंड में और कहाँ कार्बेट टाइगर रिजर्व में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो MIT के शोधकर्ताओं ने क्या कि एक सिटी बैटरी विकसित की है, जो क्या करेगा सिलिकॉन में अतिरिक्त ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो आप याद रखिए सिटी बैटरी क्या है, बस आपके लिए इतना ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एक फैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन UPSC के अलावा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पहली बात, तो मिस वर्ल्ड का खिताब हुआ कहाँ पे हुआ, तो याद रखिए चीन में हुआ, ठीक है, सान्या शहर में, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो देखो ये मैक्सिको की वनेसा नाम है इनका, ठीक है, वनेसा, इन्होंने क्या एक खिताब जीता है। 2017 में कौन जीता था, 2017 का आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कौन था, मानुषी छिल्लर, ठीक है, मानुषी छिल्लर, इन्होंने क्या किया था 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं, देखो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, देखो अभी क्या क्या है कि चाइना ने भेजा है दोस्तों चांद, चांद के अनदेखे हिस्से का क्या खुलेगा राज, मतलब क्या कि जो जो हमें पृथ्वी से क्या कर चांद का जो पार्ट नहीं दिखता है उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बस याद रखिएगा, यान चांग E4, बस इतना ही आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब कैप्चा भी नहीं रह गया सुरक्षित, देखो ये आपको कैप्चा आपने बहुत बार अपने क्या किया होगा, जब भी आप किसी लॉगिन करते होंगे कुछ वेबसाइट पे जाते होंगे तो ये बहुत बार दिखता होगा, बहुत इरिटेट होते होंगे यार पता नहीं क्या क्या आ जाता है, क्यों आता है, सबसे बड़ी बात तो ये है आपके दिमाग में, सबसे पहले दिमाग में आता है क्यों आता है ये चीज़, ठीक है। तो मैं देखो क्यों आता है इसका सिंपल सा मतलब बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। देखो कैप्चा क्या होता है कि एक प्रोग्राम पहले क्या होता था कि जैसे हम कोई भी लॉगिन करते तो ये हमसे पूछा नहीं जाता था, तो लोगों ने क्या किया कि जैसे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर होते थे उन्होंने क्या किया प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम क्या बनाया कि उस प्रोग्राम में आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए, अपना पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ रेलवे का, ठीक है, अपना यूजर नेम डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, कहाँ से कहाँ टिकट बुक करना है वो भी फिट कर दीजिए, अपर बर्थ चाहिए वो भी फिट कर दीजिए, सारा आप फिट कर दीजिए। तो क्या होगा जैसे 10 बजे तत्काल टिकट अगर बुक होता है
ठीक है। तो आपने क्या किया, 10 बजे इस पर क्लिक करना है सॉफ्टवेयर पे। वो क्या करेगा, विद इन 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच आपका तुरंत यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, ट्रेन कहाँ से कहाँ ले जाना वो भी डाल देता था। उसके बाद क्या करता था, कहाँ से कहाँ तक फॉलो करना वो भी जाता था, पेमेंट पे जा डायरेक्ट आपको ले जाके छोड़ देता था, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, विद इन 30 सेकेंड आपका क्या हो जाता था, टिकट बुक हो जाता था, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर आपका क्या हो जाता था, टिकट बुक हो जाता था। अगर एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप करने में लगभग 1 मिनट लगा देंगे, यूजर नेम पासवर्ड और कहाँ से कहाँ ट्रेन जानी है वहाँ तक 1 मिनट में लगा देंगे। अब क्या होता क्या था, लोग क्या करते थे इसी प्रोग्राम के थ्रू 30 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर अपना टिकट बुक कर लेते थे। और एक आम आदमी 30 मिनट भी बैठे बैठे अपना टिकट बुक नहीं कर पाता था। 30 मिनट का मतलब 2 से 3 मिनट आपको बस लॉगिन करने में लग जाते थे, बाकी भरते भरते लगभग 5 मिनट होता था। तब तक क्या होता था कि 1 मिनट होते हुए तो टिकट क्या हुआ, सारे खत्म हो गए और वेटिंग लिस्ट चला गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। तो लोग तब इसकी तब लोगों ने सोचा कि यार हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तब धीरे धीरे क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आया क्या, कैप्चा का। कैप्चा इन द सेंस देखो, अभी अलग हर बार क्या होता है, अलग अलग आता है, हर बार अलग आता है। तो जैसे आप प्रोग्राम आपने लिख दिया कि ठीक है कि मेरा ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, मेरी मतलब ये बर्थडे नहीं है मेरे को, सारा आपने डाटा भर दिया सॉफ्टवेयर में। लेकिन ये तो जब जैसे ही लॉगिन करोगे तो अगला बार अगला आ जाता है, ठीक है। तब क्या करेगा, जो प्रोग्राम आपने समझा, जो प्रोग्राम आपने डाला इसमें, तो वो जो रोबोट हो, अब प्रोग्राम को एक तरह से रोबोट ही समझो आप, ठीक है। अब वो रोबोट जो है वो क्या करता है, इसको समझ नहीं पाएगा कि यार ये कहाँ से नया वर्ड आ गया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तभी आप देखोगे कि बहुत सारे आपको वेबसाइट में मिलते हैं कि 2 मिनट में तत्काल टिकट बुक करें, 30 सेकंड में तत्काल टिकट बुक करें। तो ये क्या करते, यही प्रोग्राम आपको देते हैं, लेकिन आप जाके फंसते कहाँ हो, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे फंस जाते हो, और यहाँ पे क्या होता है, आपका टिकट बुक नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब यही यही था, इसलिए लाया गया क्योंकि देखो लोग प्रोग्राम रन करके ऐसा ना हो कि ये करने लगे। लोगों ने क्या किया, इसको भी इमेज प्रोसेसिंग लगा दिया यहाँ पे। इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है कि इमेज तुरंत ये रीड करने लगता था कि क्या है। तो इसीलिए लोगों ने इसमें आई बाई ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करके मतलब बाई तीछी लाइनें खींचने लगे, क्योंकि रोबोट उसको इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्या भी क्या क्या कर सके, ना पढ़ पाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक टिक वाला कॉन्सेप्ट लाए। अब देखो इसमें आपको क्या है कि अगर सपोज करो आप, अगर यहाँ पर आपका माउस का कर्सर है, ठीक है, अगर आप अगर उसमें अगर अगर आप एक नॉर्मल इंसान रहेगा तो इसको कर्सर को मूव करते 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 इस पर ले जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इसको टिक करेगा। ऐसे ही करते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि जो जो कंपनियाँ थी उन्होंने अपने बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर लगाए, ठीक है, डाटा लगाया, उन्होंने चेक किया ये, अगर देखो रोबोट से कराएंगे मतलब एक मशीन से कराएंगे, सॉफ्टवेयर से कराएंगे, तो ये क्या करेगा, ये कर्सर यहाँ पे अगर है तो यहाँ से मूव नहीं करेगा। अब डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली तो आपका कर्सर यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर हमने प्रोग्राम रन किया तो अपने आप ये क्या होगा, टिक हो जाएगा। तो लोगों को पता चलेगा यार ये कर्सर तो घुमा नहीं, तो इसने टिक कैसे कर दिया, समझ रहे हो आप। तो ये इसलिए क्या गया, आई एम नॉट अ रोबोट का वाला एक कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें भी क्या, रिकैप्चा इसका नाम दिया गया, मतलब इसका एक एडवांस वर्जन इन्होंने रिकैप्चा दे दिया, ठीक है। कि जब तक ये कर्सर अगर यहाँ से यहाँ तक घूम नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी आदमी ने नहीं ये किया है, किसी रोबोट के द्वारा किसी प्रोग्राम के थ्रू रन कराया गया। तो आपका लॉगिन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि लोगों ने इसीलिए भी क्या कर धीरे धीरे तोड़ खोजते जा रहे हैं कि हम इसको कैसे मतलब क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो यही चीज़ थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस इतना था कि आपको कैप्चा क्या ये समझाना था कि अगर मेंस में कुछ पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर दे सको, ठीक है। फैंटम ड्रोन याद रखिए, किससे ले रहे हैं हम, तो ये हमने ले रहे हैं कि हमने फैंटम ड्रोन किस लिए, जापान से मंगाए हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, हाईटेक है जो कि गंगे डॉल्फिन की क्या करेगा, निगरानी करेगा, ठीक है, ट्रेस करेगा उनको। तो दोस्तों बात कर ठीक है, अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार पाकवे जाफना, मैंने बता रखा है पाक मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार पाकवे किनके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, जाफना का है, श्रीलंका का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। हमने देखो गुजरात के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, महाराष्ट्र डिस्कस कर लिया था, कर्नाटक डिस्कस कर लिया था, आज केरल और तमिलनाडु देख लेते हैं। देखो केरल जो लगता है, केरल की सीमा वो 2 राज्यों से लगती है, तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की सीमा देखो केरल से लगती है, कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, और किससे लगती है, पुदुचेरी से। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने लगभग यहाँ यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, अब हम कल क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ठीक है। जो लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं वो लोग मोस्ट वेलकम कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।